आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मेरा सौभाग्य है कि आप चेयर पर बैठे और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है सर। मैं सदन का सबसे युवा और सबसे नया सदस्य हूँ। मैं आपसे, आप इसे मेरी मेडन स्पीच माने या ना माने, आई सीक योर इंडल्जेंस सर, मुझे 5-7 मिनट दे दीजिए। वो भी तैयारी से आई है, मैं भी तैयारी से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा, अगर 5 मिनट मुझे और सुन लेंगे तो इतना सर, हेवंस वोंट फॉल सर, यू नो एवरीबॉडी आस्क फॉर द सेम प्लीज। मुझे लगता नहीं सर आर्गुमेंट कोई आपत्ति करे, मेरा नाम, मेरा सामने नाम है, आई नो द नेम्स बिफोर मी सर। मैं आपके आश्वासन पर ही बोलूंगा, मुझे प्लीज थोड़ा समय दे सर। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में सर करीब करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, ये शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है सर। इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर, जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण सर्विस इन्फ्लेशन, जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है लागत बढ़ाने वाली महंगाई, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया। और सातवा पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, ये भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और जिसके चलते आज कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया, लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर। पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। दूसरा पॉइंट सर, जीएसटी के बारे में, जीएसटी का जो राज्यसभा में वकालत सराउंड नहीं सर, आप यू काउंट दिस एज माय मेडन स्पीच सर, दैट्स नो प्रॉब्लम सर, जस्ट लेट मी स्पीक सर, प्लीज परमिट मी सर, प्लीज, देयर इज नो टाइम सर। जीएसटी का कॉल अनदर 14 सर, गिव मी फ्यू मिनट सर, I beseech you, sir. I seek your indulgence, sir. Sir, GST, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है,
ये टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी वो 150 रुपए की होती है तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। राइट सर, मेरा एक पॉइंट है सर, सरकार के कई सर, एक मिनट दे दीजिए, आई फिनिश सर, आई एम फिनिशिंग, प्लीज डोंट जस्ट गिव मी सर 1 मिनट, खत्म कर, आई गिवन यू 5 मिनट्स टाइम, खत्म कर, आई एम फिनिशिंग, कंक्लूड इट, कंक्लूड वन लाइन, लास्ट पॉइंट, कंक्लूड वन लाइन प्लीज सर। जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे तो वो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज रुपया 180 के पार हो गया है सर। पुरानी सरकारों ने रुपये को सीनियर सिटीजन बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया है। और आज सर जिसके चलते इंपोर्ट हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, यू हैव लॉट ऑफ फ्यूचर यंगस्टर, फॉलो द गाइडलाइंस एंड देन आई हैव गिवन यू ऑलरेडी 5 मिनट्स। If sir, if the finance minister has no problem listening to me, if she can spend 3-4 minutes.